नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल समान है। उसने कहा है कि वर्ग और आयत जो भी है उन दोनों के क्षेत्रफल क्या है, समान। ठीक है, हमने एक वर्ग बना लिया, एक आयत बना लिया, तो दोनों के क्षेत्रफल क्या है, समान है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 4 सेंटीमीटर अधिक और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है। हमें मान लेते हैं कि जो वर्ग की भुजा है वो a है, तो इसकी लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो a प्लस 4 हो जाएगा, और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है, तो a माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने हमसे आयत का परिमाप पूछा है। जब हमें आयत का परिमाप लगाना है तो कैसे निकालेंगे, दो लंबाई प्लस चौड़ाई सूत्र होता है, तो हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अब इसके लिए उसने हमें एक क्लू दिया है कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल क्या है, समान है। क्या दिया उसने कि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल ये क्या है, समान है, यानी कि बराबर है। ठीक है, ये उसने हमको क्लू दिया है, तो इसी क्लू के आधार पर हम लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू निकालेंगे। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। इसकी लंबाई है a प्लस 4 और चौड़ाई है a माइनस 3। यहाँ भुजा है a, तो a का हो जाएगा स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों कोष्टक को हटाएंगे, a का जब गुणा a में होगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर। a का जब 3 में होगा तो माइनस का 3a, 4 का a में होगा तो प्लस का 4a, और 4 का 3 में होगा तो 4 × 3 = 12 बराबर a स्क्वायर। यहाँ पर हम a स्क्वायर की बलि चढ़ा देंगे, मतलब काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ 4 में से 3a जाएगा तो क्या बचेगा, सिंगल a बचेगा, और माइनस 12 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 12। ये हमारी एक ही वैल्यू निकल आई 12। अब एक ही वैल्यू से ही हम लंबाई और चौड़ाई को निकाल सकते हैं। तो लंबाई क्या थी, लंबाई थी a प्लस 4, तो 12 प्लस 4 बराबर 16 सेंटीमीटर आ गया। दूसरा b थी a माइनस 3, यानी 12 में से 3 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। अब जब हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों प्राप्त हो चुकी हैं, तो हम आयत का परिमाप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ 2 लंबाई की वैल्यू है 16 और चौड़ाई की वैल्यू है 9, तो 16 और 9 कितने होते हैं, 25, और 25 दूना कितना होता है, 50 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया आयत का परिमाप। ठीक है, तो बस यहाँ थोड़ी समझने वाली बात थी कि उसने कहा था कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल समान है, तो हमने यहाँ समान कर दिए। दूसरी कंडीशन उसने कही थी कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 4 सेंटीमीटर अधिक, तो हमने इसकी भुजा अगर a मानी है, इसकी लंबाई होगी a प्लस 4, और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है, तो चौड़ाई हो गई a माइनस 3। इसको सॉल्व कर दिया, a की वैल्यू निकल के आ गई 12, यानी वर्ग की भुजा कितनी है, 12। ठीक है, अब लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो 9। अब आयत का परिमाप का सूत्र लगा दिया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, सबकी वैल्यू रख दी, आंसर निकल के आ गया 50। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।